अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप ब्रशेस, ज़ोवा मेकअप ब्रशेस। ज़ोवा एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने ज़ोवा के मेकअप ब्रशेस बाय किए हैं। ओरिजिनल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। एक पाउच है पिंक कलर में, इसमें और भी कलर्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे पिंक कलर पसंद है तो मैंने पिंक कलर बाय किया है। 15 ब्रशेस हैं, इसमें फेस ब्रशेस भी हैं और आईज ब्रशेस भी हैं। बहुत ही सॉफ्ट से ब्रशेस हैं ये। इसमें हर वो ब्रश मौजूद है जो कि मेकअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कंटूरिंग ब्रश भी है, उसके अलावा हाइलाइटर ब्रश भी है। 3-4 ब्रशेज ऐसे हैं जो कि आईज़ के लिए यूज़ होते हैं, आई शेड्स लगाने के लिए, कंसीलर लगाने के लिए, उसके अलावा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी ब्रश है, उसके अलावा जो ब्लशन होते हैं वो लगाने के लिए भी ब्रश है। डिफरेंट ब्रशेज हैं। ब्रशेज हमेशा अच्छे वाले ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रश सॉफ्ट नहीं लेंगे तो हमारा जो मटेरियल है वो सिर्फ ब्रश पर ही लग जाएगा, हमारे फेस पर नहीं लगेगा। मींस कि अगर हम आई शेड्स लगाते हैं और ब्रश अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो आई शेड्स जो हैं सिर्फ ब्रश पर ही चिपक जाएंगे, हमारी आईज़ पर नहीं लगेंगे। इसलिए ब्रशेज हमेशा सॉफ्ट से लेने चाहिए और चेक करके लेने चाहिए। इन ब्रशेस की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। draws.pk से आपको 999 के ये ब्रशेस मिल जाएंगे, पूरा पाउच सेट है आपको मिल जाएगा। किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो वाइट कलर में ब्रश है ये फाउंडेशन ब्रश है जो कि मैंने अलग से बाय किया है। ब्रशेस के साथ पाउच भी दिया गया है जो कि ज़रूरी होता है, एक ही जगह पर ब्रशेस इकट्ठे करके रख दिए जाएं तो हमें जल्दी आसानी से मिल जाते हैं, और दूसरा ये कि उस पर डस्ट भी नहीं पड़ती है। अगर ब्रशेस पर डस्ट जम जाए तो फिर ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं और हमारे फेस पर ब्लशन और आई शेड्स वगैरह भी ठीक नहीं लगते हैं। इसलिए हमेशा ब्रशेस को डस्ट से बचाना है और वॉश करते रहना है। बहुत ही अफोर्डेबल ब्रशेस हैं ये। ब्रशेस के ऊपर उनके नेम भी लिखे हुए हैं और आपको अंदाज़ा ही होगा कि कौन सा ब्रश किस के लिए यूज़ किया जाता है। ये फाउंडेशन ब्रश जो है वो भी सॉफ्ट लेना चाहिए ताकि हमारी फाउंडेशन हमारे फेस पर ठीक से अप्लाई हो सके। ये सब ब्रशेस वाशेबल हैं, इसको हम वॉश कर सकते हैं। बहुत ही फाइन क्वालिटी है, पाउच तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। इन ब्रशेस की सबसे अच्छी बात यह है कि सब ब्रशेस पर नाम लिखे हुए हैं जो जिसके लिए यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।